दोस्तों इस में बात करेंगे इट्स हैपन के 9th चैप्टर जो कि है द कॉमेट 1। दोस्तों इस चैप्टर में आपको ब्रीफ बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें जो डॉक्टर दत्ता है वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे, लेकिन बाद में जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उनके पास पैसा के साथ टाइम भी रहता है। नहीं, जब वो एस्ट्रोनॉमर रहते थे तो उस समय उनके पास पैसा रहता था लेकिन टाइम की थोड़ी कमी रहती थी। लेकिन उन्हें कॉमेट फाउंड करना था कि उनको अच्छा लगता था कि कॉमेट वो फाउंड करे, वो चाहते थे कि वो कॉमेट फाउंड करे। इसी तरह जब वो रिटायर हुए तो उनके पास पैसा भी हो गया, टाइम भी हो गया, जिसके कारण वो कॉमेट फाउंड करने के लिए हर रात को जाया करते थे अपने छत पे अपने दूरबीन, जिसका नाम उन्हें रखा था दिव्य, जिससे कि वो कॉमेट को देखा करते थे। उसमें उनकी जो पत्नी थी इंद्रानी देवी, उनको इनका ये हैबिट अच्छा नहीं लगता था कि हर रात को निकल जाए कॉमेट को देखने। जो दत्ता है वो हमेशा ट्राई किया करते थे कि वो नए कॉमेट को फाउंड करें। इंद्रानी देवी ये बात जानती थी और ये वो भी जानती थी कि उन्हें ये बताया गया था कि ठंडी में मीन्स कोल्ड में उनको नहीं निकलने के लिए बाहर, इसलिए हमेशा स्वेटर लेके चल जाया करते थे छत पे। उनके पास कोई बहुत बड़ा टेलीस्कोप नहीं था लेकिन वो अपने स्कोप में जितना मतलब ठीक थे कि वो एक नया ढूंढ सके, उन्हें लगन था उसका ढूंढने का। इसी तरह लगातार गेजिंग करते करते उन्हें 2 दिन लगातार एक कॉमेट दिखाई दिया। वो कॉमेट दिखाई दिया जिसके कारण ये खबर थी पूरा फैल गई मार्केट में, न्यूज में आ गया कि जो कलकत्ता के आदमी ने कॉमेट को फाउंड किया है। ये बात IIA के पास भी गया जहां पे एशिया का सबसे बड़ा मीन्स 90 इंचेस का टेलीस्कोप को हैंडल किया जाता है। उनके पास ये बात पहुंची। उसके बाद जो दत्तदा थे उनके घर पे मीन्स कुछ जैसे लोग आए पूछा करते थे कि आपने कब इसे शुरुआत की, इस कारण वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। जैसे नहीं होता है कि कोई आदमी को बहुत ही ज्यादा अटेंशन दिया जाता है, उसके बाद इतना उसे क्वेश्चन करो कि डिस्टर्ब हो जाए, उसी तरह उनका हो गया था। फिर एक बार वो सोची कि काश मैं उसको डिस्कवर नहीं किया होता। तभी जो उनकी पत्नी थी ध्यान देवी वो भी कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है कि आप डिस्कवर नहीं किया होते तो ठीक रहता, लेकिन वो बोलती है कि मुझे ये रीजन नहीं है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं उसके कारण, मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमेट है वो हमेशा बैड लक लेके आता है। जो दत्तदा थे वो बोलते हैं कि ये कोई बात नहीं है, मीन्स जो कॉमेट है वो हमेशा बैड लक लेके नहीं आता है। वो बोलते हैं कि जैसे कि तुम देख सकते हो 2 रातों से मैंने कॉमेट को देखा और बिना हार्म के यहां से पास कर जाता। जब ये बात बोलते हैं तो उनको थोड़ा मन में घबराहट रहता था, मीन्स वो थोड़ा सोचते थे कि काश वो सही हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो कोलाइड कर जाए। दोस्तों मैं आपको इसमें से एक बात बता दूं कि जो कॉमेट्स होते हैं और जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे प्लैनेट्स को हम देखते हैं कि बहुत सारे उनके टाइमलाइन होते हैं कि वो 1 साल में वापस दिखते हैं, उसी तरह जो कॉमेट्स का जो इंसेंट्रिक जो ऑर्बिट रहता है वो बहुत ही दूर तक रहता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे सन है और यहाँ से कोई भी प्लेनेट को उसके सामने रिवॉल्व कर रहा है, जितने भी ये होते हैं कॉमेट्स वो सब का बहुत ही इंसेंट्रिक बहुत ही बड़ा पाथ रहता है, ऑर्बिट रहता है, जिसके कारण उनको बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है उसको एक रिवॉल्यूशन करने में, और इसलिए उनको टाइम लगता है हमें देखने में, मीन्स उनको टाइम लगता है कि वो अपेयर हो यहाँ पर। अब दोस्तों इसमें जो सेकेंड पार्ट है उसमें बताया गया है कि जो जेम्स है उनके पास एक लेटर आता है कि उनसे मतलब कि जो जॉन मैकपर्सन है वो मिलना चाहते हैं। जो जेम्स है उनके पास एक जो लेटर आता है तो उसमें लिखा रहता है लेटर में कि मैं आपसे इमीडिएटली मिलना चाहता हूँ, मतलब कि वो बोलता है कि आपको आने के लिए वो बहुत ही जरूरी काम बताते हैं। जेम्स को बुलाया जाता है, लंदन में बोला जाता है कि वहां पे उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। जब वो लंदन में जाते हैं तब वहां पर एक गार्ड रहता है, जिस गार्ड को के पास वो लेटर दिखाते हैं उसको बोलते हैं कि जिस आदमी से मिलना था जिनका नाम था जॉन मैकपर्सन उससे मिलना था उसके लिए बताते हैं। फिर जब वो गार्ड जाता है उनको जॉन मैकपर्सन के ऑफिस के पास छोड़ देता है और उसके वहां से चल जाता है। जॉन मैकपर्सन आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बुलाया और मैं माफी मांगता हूँ कि जो डिस्टर्बेंस मेरे वजह से आपको हुई हो, क्योंकि उन्हें इमीडिएटली बुलाया जाता है। तभी जो जॉन मैकपर्सन रहते हैं वो बहुत ही बड़े एक साइंटिस्ट रहते हैं, उन्हीं तभी जो जेम्स रहते हैं थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं क्यों बुलाया गया है। उसमें जो जेम्स रहते हैं जो कि एक लिखे रहते हैं चिट्ठी में बारे में लिखे रहते हैं उस कॉमेट के बारे में जो कि फाउंड किया जाता है दत्तता के द्वारा, वही बताते हैं कि स्क्रिप्ट में कि आपने क्या लिखा। तो जो जेम्स रहते हैं वो थोड़े कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं ये तो मेरा ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो कि मैंने कहा था नेचर के पब्लिशर को टेलर को जो कि है उनको जल्दी पब्लिश करने के लिए बहुत ही मेन है। तो उसमें वो जो जॉन मैकपर्सन है वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि बहुत ही मेन है, लेकिन आपने जाना कि आपने जो न्यूज में लिखा है उसे क्या हो सकता है, क्योंकि जो वो न्यूज में लिख के दिए थे जेम्स ने कि जो कॉमेट है दत्तदा कॉमेट वो कभी भी आके टकरा सकता है अर्थ से, मतलब कुछ ही महीनों या सालों में वो आके टकरा सकता है अर्थ से, जिसके कारण जो जॉन मैकपर्सन थे वो सोचते थे कि आपने सोचा कि इससे क्या हो सकता है। जॉन मैकपर्सन भी बड़े आदमी थे इसलिए सोचते थे कि उनका दायित्व था
कि सबको हैंडल में रख। इसमें जो जॉन में पर्सन है वो बोलते हैं कि इसके ऊपर एक अच्छी मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनको मिलकर इस पर बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा हो सकता है कि वो कॉमेट किसी और एस्ट्रॉयड से टकरा के खत्म हो जाए, या फिर वो कॉमेट अपना पाथ चेंज कर ले जिससे हमारा अर्थ बच जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा अर्थ 10 महीने के अंदर ही हो सकता है कि तबाही हो जाए। वो सोचते थे कि अगर अगर आप इस बात को फैला देंगे लोगों में तो अभी हड़बड़ी मच जाएगी और लोग अभी बहुत ही परेशान रहने लग जाएंगे। इसलिए वो ये बात बोलते हैं कि जनता को भी नहीं बताने के लिए, मीन्स लोगों को ये नहीं बताने के लिए, इस जब तक कि इसके लिए साइंटिस्ट सब एक साथ बैठ के इस पे पूरी कार्रवाई ना कर ले, मतलब इस बात को पूरी पुष्टि ना कर ले। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।